हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप रियली कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया मेरा। अभी जो कल मैंने जो वीडियो पब्लिश किया है उस पर बहुत अच्छा आप लोगों ने, इतना अच्छा रिस्पांस आया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि पहली बार मेरा वीडियो बिना किसी के मदद से वायरल हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है जूटिया। जूटिया की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जितने भी मम्मी लोग व्रत किए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत भगवान हिम्मत दे, ताकि वो लोग अपना फास्ट अच्छे से कर सकें। और सो गाइस, मैं कुछ काम से चली गई थी। तो जीतिया है, जीतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी आंटी लोग और मेरे से जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने जीतिया का व्रत किया है, भगवान उनको व्रत रखने का शक्ति दे और वो लोग जल्दी से अपना फास्ट पूरा करें। मेरी मम्मी भी फास्ट की हैं। तो बस यही सब है। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पैकिंग करना है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं जा रही हूँ कहीं, तो मैं काफ़ी देर से आप लोगों से बोल रही थी कि सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। तो यही सरप्राइज़ है। मैं जा रही हूँ दिल्ली। हाँ जी, मैं पहले भी रहती थी दिल्ली में, बट अभी मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। 2 साल बाद जब से लॉकडाउन लगा है तो मैं नहीं गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि आपको सडनली कहीं रहते हो और वहाँ छोड़ के अपने नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो गए हो। तो मुझे 2 से 2.5 साल हो गया दिल्ली को छोड़े हुए। पर अभी मेरा बहुत बहुत मन कर रहा था कि मैं जाऊँ, थोड़ा घूम के आऊँ, माहौल थोड़ा चेंज हो जाए। तो वही मैं घूमने फिरने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी तो आपके साथ शेयर करना है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल से आपको दिल्ली का व्लॉग मिलेगा। कल मेरा ट्रेन है और आज मैं वीडियो बना रही हूँ पैकिंग का। तो कल ट्रेन का सफ़र करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। और अभी पैकिंग वाला दिखा देती हूँ और फिर दिल्ली पहुँचूँगी, वहाँ से भी आपको सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो अभी पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये देख सकते हैं सारा कपड़ा मैं फैला दी हूँ इधर। अलमीरा भी खोल के रखी हूँ, बैग भी निकाल के इधर रखी हूँ। तो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। तो अभी सब निकाल के अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लूँगी। ये देखिए, ये भी बैग है, ये भी बैग है। वही डिसाइड कर रही हूँ कौन सा बैग जाएगा। और इधर सारा कपड़ा वगैरह है। तो चलिए अभी पैकिंग करते टाइम आपको दिखाती हूँ। बैग निकल चुका है, अभी मैं कपड़े एक एक करके रखती हूँ। और ये देखिए, ये बैग लेके जाऊँगी। तो चलिए अभी कपड़े निकाल के पैक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यही से वो बढ़िया से स्क्रीन शॉट ले लूँगी। उसको लेके जाऊंगी साथ में, कुछ काम का सामान रखें। और इधर थोड़ा बहुत काम है,
सो गाइस पैकिंग तो डन हो चुका है, देखिए सब कुछ रख दी हूँ अभी तो आपको दिखाई हूँ। तो पैकिंग वगैरह हो गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोन वगैरह सब चार्ज करके रख लूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरा ब्लूटूथ चार्ज हो रहा है, उसके बाद से पावर बैंक को चार्ज करूँगी, फिर मोबाइल चार्ज करूँगी, क्योंकि कहीं जाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन, बैटरी, पावर बैंक, ब्लूटूथ जो भी आप अपने साथ लेके जा रहे हो उसको चार्ज करके ले जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में पता नहीं चार्जिंग पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्या परेशानी होगी। तो उससे अच्छा है कि आप फ़ोन को चार्ज करके लेके ज़रूर जाइए। तो कैसा लगा अभी, तो जब कल सुबह जब निकलूँगी इधर से तो फिर आपको सारा कुछ दिखाऊँगी कि कैसे कैसे मैंने ट्रैवल किया, क्या क्या दिक्कत परेशानी हुआ। तो चलिए इस ब्लॉग में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक और प्यारा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, और कोई भी गलती हो गई हो तो सॉरी, और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, और बस यही सब है। और चलिए मिलती हूँ मैं कल प्यारा सा और ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।